नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों में 50% कमीशन बेस पर हो रहा विकास। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा की सड़कें डूबी भ्रष्टाचार में। 50% कमीशन की सड़कों का ये हो गया हाल। लगातार मल्हारगढ़ विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाने वाले व मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे घटिया रोड निर्माण को लेकर मल्हारगढ़ विधानसभा के चहेती नेता विजेश मार्चेला बने लोगों की पहली पसंद। विजेश मालेचा ने कहा कि मल्हारगढ़ विधानसभा वित्त मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद भी यहां पर ऐसे निर्माण 50% कमीशन की सड़कों वाली सरकार लोगों के साथ अन्याय व खिलवाड़, सिर्फ विकास का दिखावा कर रही है। आज बेलारा वाली सड़क पर जाकर कांग्रेस नेता विजेश मालेचा ने खोली सरकार की पोल, अपने पैरों से रोड को उखाड़ कर ये बताया कि आखिरकार मल्हारगढ़ विधानसभा में विकास नहीं, सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री मल्हारगढ़ विधानसभा में आते हैं, करोड़ों रुपए की सौगात सिर्फ खानापूर्ति के लिए। जमीनी स्तर पर रोड का हाल देखें तो पता चलेगा कि करोड़ों नहीं बल्कि लाखों का विकास भी जमीनी स्तर पर नहीं है। कांग्रेस नेता विजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये विकास मल्हारगढ़ विधानसभा का विकास नहीं, भाजपा का विकास है, अपनी जेब का विकास कर रही है भाजपा। मगे 15 साल में रोड बन, एक रोड दो, 15 साल में एक रोड दो, यो की किन का है। जय जय ने थक गयो देवड़ा जी बटे के माल मेला के सभा खड़ा रस्तो, मेला के सभा खड़ा रस्तो बनानो, कम से कम 500 बच्चा पढ़वा भले जाएगा। अब तो समस्या है, बच्चे ने खत्ते जाते किचड़ में जाए जानो पड़ रहे हो। मगे मंडी माल आगे मैं जावा गए, बहुत समस्या है सर, फिर भी 2 किलोमीटर रस्तो नहीं दे सके सर। क्या नाम है आपका? कमलेश जाटो, ग्राम पंचायत बिलारा सरपंच। बाबू जी आपका नाम? देवीलाल गायरी देवी। आज जीतू जी पटवारी के कार्यक्रम को लेकर हम गांव का दौरा कर रहे थे, विजय जी माल्या जी और हम सब साथ में थे, और यहाँ बेलारान में आने के बाद हमें खबर मिली कि रोड बन रहा है बिल्कुल घटिया किस्मत। तब मौके पे आके देखा तो ये रोड की ये हालत है कि बिल्कुल ये कुछ नहीं, ये मिट्टी भर रखी है, ये पांव से रोड उखड़ जाए ऐसा रोड बनाया। ये हालत है सभी रोड की, मल्हारगढ़ तहसील में जहाँ जहाँ रोड बन रहे हैं सभी रोडों की यही हालत है, सभी घटिया किस्म के रोड बन रहे हैं। मैं शीतल सिंह मोराना, संजय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। बाबू जी ये देवरी से बेलारा का जो रास्ता बना है, क्या स्थिति है इसकी? तो अधिकारी से कार्रवाई करी कि नहीं करी? अधिकारी हमने नहीं करी यार, कोई ठेकेदार होने कोई अधिकारी होने कोई उस नाम तैयार नहीं है रहा, गली मिली भी कहते सर। क्या नाम है आप? नारायण जाटो, पूर्व सरपंच बेलारा। हमारे क्षेत्र से जो विधायक और प्रदेश सरकार में जो वित्त मंत्री है वो लगातार जगह जगह कह रहे हैं कि मैंने मल्हारगढ़ विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया। बाकी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मल्हारगढ़ विधानसभा में जो भी सड़कें बनी है वो प्रत्येक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। उन सड़कों की हालत यह है कि वह सड़कें 2 से 3 महीने में टूट चुकी है और हर सड़क की यही स्थिति है। आज हम यहाँ क्षेत्र में आए थे, हम यहाँ क्षेत्र में जो चर्चा कर रहे थे तो यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि जो सरपंच महोदय हैं, पूर्व सरपंच है और ग्रामीण जन हमारे साथ है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे शीतल सिंह जी भी हमारे साथ है। ग्रामीणों ने कहा कि किस प्रकार से जो देवरी से जो ढिकनिया तक का जो रोड बना है वहां या बेलारा होकर किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, यह रोड पूरी तरह से खत्म हो चुका है 3 महीने के अंतर्गत। और जिस प्रकार से हम लगातार कहते हैं कि जो सड़कें मल्हारगढ़ विधानसभा में बन रही है, इन सड़कों का विकास का जो विकास का कनेक्शन वित्त मंत्री देवड़ा के जेब तक कनेक्शन है, ये आपके सामने है। ये रोड बना हुआ हम सब यहाँ खड़े हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि खड़े हैं, आपको बताते हैं कि ये 3 महीने पहले जो रोड बना है किस प्रकार से इस रोड पर 1 इंची डामर 15 दिन पहले ही बना है, 15 दिन पहले रोड बना है और इसकी स्थिति देखो कि डामर हाथ से निकल रहा है डामर।
और ये वित्त मंत्री जी का विकास हमारे सामने दिख रहा है मल्हारगढ़ विधानसभा में। तो साथियों मेरा यही कहना है कि किस प्रकार से वित्त मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ढींगे हाँक रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके खुद के लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये या कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इनकी कथनी और करनी हमारे सामने है। हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री वो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि मैंने मल्हारगढ़ विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया और उनके इस सड़कों के जाल पर हम लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सारी सड़कें जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, जो कहीं सड़कें तीन तीन महीने बनने के तीन महीने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है और ये सड़क सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किस प्रकार से हुआ है ये हम सब हमारे सामने है। मल्हारगढ़ विधानसभा की सड़कों पर हम सब जगह देख रहे हैं। आज ऐसा ही है कि मामला जो यहाँ से बेलारा से जो ढिकनिया और वहाँ या देवरी जो सड़क बनी है, आज सब ग्रामीण जन भी हमारे साथ में है। किस प्रकार से ये धूल के ऊपर जो ये पूरी सड़क बनाई है, मात्र एक इंच इसके ऊपर जो डामर किया हुआ है और पूरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। ये सड़क देखो कि हम हाथ पांव से इस सड़क को पांव से इसका डामर निकल रहा है पूरी तरह से। देखो ये किस प्रकार से धूल के ऊपर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है सड़क। मैं कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से कि वित्त मंत्री जी आप इतनी भी अति मत करिए, यह विकास का पैसा जनता का ही पैसा है। जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार करवा रहे हो साथ में मिलकर, आपके इर्द गिर्द जो लोग है वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो विकास हो रहा है, ये विकास आपकी जेब तक का भी विकास इसमें हो रहा है और मल्हारगढ़ विधानसभा की जनता को आप गुमराह कर उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं विकास के नाम पर।